योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह भाजपा के सक्रिय सदस्य की श्रेणी में आ गए हैं। आज भाजपा के जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी ने उन्हें सक्रिय सदस्य की उपाधि से नवाजा है। राज्य मंत्री ने इस उपाधि के लिए जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी का धन्यवाद अदा किया। राज्य मंत्री ने अपने आवास पर मीडिया को बुलाकर जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें 10,000 लोगों को भाजपा का सदस्य बनाने की जिम्मेदारी दी गई, जिसके सापेक्ष उन्होंने 26,000 सदस्य बनाए। वहीं उनके भाई ने 11,000 जबकि बेटे ने 6,000 सदस्य बनाए हैं। फिर से आपने सक्रिय सदस्यता ली है, क्या है किसके द्वारा मिली है, तो क्या कहना चाहते? मैं खुश नसीब हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सक्रिय सदस्य आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री बुद्धिलाल पासी जी ने अपने नगर अध्यक्ष अभिषेक वर्मा जी के साथ मुझे दिलाई। निसंदेह सबसे बड़े परिवार का सदस्य बनने पर जो सुख जो गौरव की अनुभूति होती है वो आज हमें हो रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तरोत्तर ऊंचाइयां हासिल करती रहे, इसका प्रयास हम पार्टी कार्यकर्ताओं को हमेशा करना चाहिए। मुझे पार्टी के द्वारा 10,000 से अधिक सक्रिय 10,000 से अधिक सामान्य सदस्य बनाने का निर्देश मिला था, जिसके क्रम में मैंने केवल 5 दिन में 15,000 सदस्य लगभग बनाए थे। फिर जिलाध्यक्ष जी का निर्देश हुआ कि थोड़े और बढ़ाइए, तो इसको सबके सहयोग से लगभग 20,000 से अधिक सक्रिय सदस्य 20,000 से अधिक सामान्य सदस्य मैंने अपने रेफरल कोड से बनाए। मेरे भाई के द्वारा लगभग 11,000 सक्रिय सदस्य बनाए गए और बेटे के द्वारा लगभग 6,000 से अधिक बनाए गए। इस प्रकार 37,000 के आसपास सक्रिय सदस्य हम परिवार ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी के लोग से जोड़ा है। लोगों को एक परिवार को उत्तरोत्तर बड़ा करने में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के हमने किया है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने यशस्वी जिलाध्यक्ष जी को, जिन्होंने इसकी शुरुआत हमारे यहां से की है। और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी का निर्णय है कि जो भी लोगों ने अपने रेफरल कोड से अधिकतम सदस्यता की है, ऐसे पूरे रायबरेली जनपद के नेताओं कार्यकर्ताओं के घर जा जा करके उनको सक्रिय सदस्य बनाएंगे। उसके क्रम में आज अध्यक्ष जी के द्वारा मुझे सक्रिय सदस्य बनाया गया, इसके लिए मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ।